आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2050 के समय में यह दुनिया कैसी होगी, क्योंकि यह तो आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया बहुत ही ज्यादा तेजी से विकसित हो रही है। आज के इस युग में मनुष्य मात्र जिस चीज की कल्पना करता है वह आने वाले कुछ समय में उसे विकसित भी कर लेता है। यह तो इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहता है कि फ्यूचर कैसा होगा। हम इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से विकसित होने के कारण मात्र एक अनुमान ही लगा सकते हैं कि 2050 में यह दुनिया कैसी होगी। तो आइए देखते हैं भविष्य की एक झलक। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए। 2050 तक मोबाइल और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, यानी कि एक चिप जितना छोटा, और हर व्यक्ति इन चिप्स को अपने हाथ पर इंस्टॉल कर लेगा और वो मोबाइल के इन चिप्स को बॉडी की एनर्जी से चार्ज करेगा। और भी बहुत सारे गैजेट्स इतने एडवांस हो जाएंगे कि ह्यूमन बॉडी में फिट हो सके। आज के समय में इस दुनिया में बहुत सारे सुंदर सुंदर आइलैंड हैं, लेकिन दोस्तों ये जान के आपको हैरानी होगी कि 2050 तक बहुत सारे आइलैंड गायब हो जाएंगे, या यूं कहें कि पानी में समा जाएंगे, क्योंकि ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और समुद्र का सी लेवल बढ़ रहा है, जिस कारण बहुत सारे आइलैंड आने वाले समय में नहीं दिखेंगे। साथ ही साथ आइलैंड के अलावा छोटे छोटे देश जो समुद्र तट से लगे हुए हैं उनको भी काफी खतरा है। 2050 तक वर्चुअल रियलिटी का लेवल काफी हाई होगा और हम वर्चुअल रियलिटी का अनुभव कर सकेंगे। 2050 तक कारें रोड पर नहीं बल्कि हवा में चलेंगी, साथ ही साथ बाइक्स भी हवा में चलेंगी, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। और जो कारें धरती पर चलेंगी वह भी स्वतः चालित यानी रोबोटिक टेक्नोलॉजी के सहारे चलेगी। मैन्युअली इन कारों में सिर्फ मनुष्य के पास मात्र कुछ बटन दबाने के अलावा और कोई कार्य नहीं होगा। 2050 तक इंटरनेट की स्पीड बहुत ही ज्यादा अधिक होगी और किसी फाइल की क्वालिटी और ग्राफिक्स आज के मुकाबले 50 गुना अधिक होंगे। 2050 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारतें एक आम बात हो जाएगी, और बुर्ज खलीफा से भी काफी ज्यादा लंबी लंबी इमारतों का निर्माण हो चुका होगा। 2050 में स्कूल में बच्चों की एजुकेशन का स्तर काफी हाई होगा, और जो भी एजुकेशन बच्चों को दी जाएगी वो केवल डिजिटल मीडियम से दी जाएगी। 2050 तक दुनिया में 10 अरब से भी ज्यादा जनसंख्या हो चुकी होगी, और भारत चाइना को जनसंख्या के मामले में बहुत ज्यादा पीछे छोड़ चुका होगा। 2050 तक बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उस समय घर से लेकर दफ्तर तक के सभी कार्यों के लिए रोबोट्स का यूज किया जाएगा। यह रोबोट्स बहुत ज्यादा एडवांस होंगे और रोबोट्स की डिमांड इस दुनिया पे राज करेगी। आज हम लोग वर्ल्ड टूर करते हैं, लेकिन 2050 तक हम लोग वर्ल्ड टूर से ज्यादा स्पेस टूर कर पाएंगे, यह एक रोचक एहसास होगा। 2050 तक हम स्पेस में काफी रिसर्च कर लेंगे और तरक्की भी कर लेंगे, और हम लोग अपने सोलर सिस्टम की बाहर की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। 2050 तक इंसान हर चीज ऑनलाइन ऑर्डर पर परचेज करेगा, चाहे वो फल सब्जी क्यों ना हो, दुकानें बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी और ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करेगा। 2050 तक मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस हो जाएगी और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का भी इलाज ढूंढ लिया जाएगा। 2050 में लगभग सभी बीमारी का इलाज मेडिकल साइंस के पास होगा। 2050 में सभी ट्रेनें सेल्फ ड्राइव ट्रेनें होंगी, जो आज बस दुनिया के मात्र कुछ देशों में सेल्फ ड्राइव ट्रेनें चलती हैं। 2050 तक इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित कर लेगा जिससे अर्थक्वेक या सुनामी जैसी आपदा का पहले से ही पता लगा लिया जाए, और इसे रोकने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी को भी विकसित कर लेगा। इस समय इंसान समुद्र के बारे में मात्र 10% से भी कम जानता है, लेकिन 2050 तक इंसान समुद्र के बारे में और समुद्र के अंदर 50% से भी ज्यादा खोज कर लेगा और कई नई प्रजाति के जीवों के बारे में पता लगा लेगा। 2050 तक जानवरों की कई प्रजाति विलुप्त हो चुकी होगी, साथ ही साथ चिड़ियाओं की भी कई प्रजाति विलुप्त हो जाएगी जो इस समय संकट की कगार पर हैं, जैसे शेर चीते बाघ और चिड़ियाओं में गोरैया, यहाँ तक कि गिद्ध भी विलुप्त होने की कगार पर हैं। 2050 तक अगर टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ की तो हम यूनिवर्स में रह रही दूसरी सिविलाइजेशन यानी कि एलियन सभ्यता से भी मिल पाएंगे और बात भी कर पाएंगे। इस तरह एलियंस के साथ काम करके हम अपनी टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा एडवांस बना देंगे। 2050 तक हम स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा तरक्की कर लेंगे और अर्थ जैसे दूसरे प्लैनेट ढूंढने में सक्षम होंगे जहां पर जीवन संभव हो। इस तरह हम अर्थ के बाहर किसी दूसरे प्लैनेट में मानव सभ्यता बसाने में सक्षम होंगे। अगर सब कुछ सही रहा और इसी तरह चलता रहा तो आने वाले 2050 में जो भी इस वीडियो में बताया गया है
उसी तरह या उससे मिलता जुलता हमारा भविष्य होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।